करके गाड़ी में पेट्रोल की जगह डीजल डाल भाई ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। उसकी भी कुछ गलती कह नहीं सकते, नहीं हो रहा, ये ढीला हो गया। तो भाई इस पे पेट्रोल ये पीप बाद में लगवाया होगा आपने। हाँ, अरे वो एक बंदा गाड़ी लेके जो बंदा आया था ठीक करने वो ही लिख के चला गया कि सर मैं लिख रहा हूँ, आगे दोबारा कभी केस ना हो ऐसा। हेलो भाई, फोर व्हील ड्राइव पर आपका स्वागत है। भाई ये गाड़ी तो आपने देखी होगी, इससे तो आप पहली फैमिलियर होंगे। ये है अपनी वाली i20, ये पेट्रोल है भाई। मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ क्योंकि इसमें आज एक बहुत बड़ा सीन हो गया पेट्रोल और डीजल को लेकर ही, वो रीज़न हम आपको बाद में बताएंगे। तो भाई दिक्कत हुई है इस गाड़ी में। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो इंजन लाइट है वो जलने लगी। मैं आपको एक बार MID में दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पर, एक बार गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। देखो भाई अभी जो इंजन लाइट है वो जा नहीं रही, ये देख रहे हो आप। तो इसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। एक बार पहले बाहर चलते हैं, आयुष भाई से ही पूछते हैं क्या हुआ गाड़ी के साथ, क्या कर दिया उन्होंने। तो भाई आयुष भाई फ्रंट पर आ जाओ। अरे भाई तो बताओ क्या हुआ। बहुत बढ़िया सीन हो गया भाई इस गाड़ी के साथ। ऐसा बहुत ही रेयर चांसेस में हो जाता, पर कभी कभी जब किस्मत होती है तो हो ही जाता भाई। तो भाई ये 3-4 दिन पहले की बात है, रात में गाड़ी पापा के पास थी, पापा लेके गए हुए थे। तो जब पापा वहाँ से किसी काम से गए हुए थे, जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो भाई इसमें पेट्रोल में रेंज बची थी इसमें कुछ 70-80 किलोमीटर की। रास्ते में पेट्रोल पंप पड़ा तो पापा ने सोचा कि पेट्रोल डलवा लो। भाई पापा ले गए गाड़ी पेट्रोल पंप पे और पापा ने उससे डायरेक्ट 2500 का कह दिया। अब भाई वो जो बंदा था पेट्रोल पंप वाला यार, वो सो रहा था पहले तो, से सोते हुए वो उठा। हाँ, रात में वैसे भी नींद में होगा। हाँ, तो वो सो रहा था। तो भाई रात का टाइम भी बहुत था, 2-2.5 बजे करीब की बात है। तो वो सो रहा था बंदा, तो उसे उठाया और उससे कहा पेट्रोल डालने के लिए। तो भाई यार उस बंदा वो नींद में इतना था, इसने पेट्रोल की जगह गाड़ी में डीजल डाल दिया पेट्रोल की जगह। और इसमें जो आप देख सकते हैं जो फ्यूल लीड है उसका, उस पर लिखा भी नहीं है कि ये पेट्रोल है, बस जो अंदर इसका जब आप खोल लेंगे वहाँ पे मिल जाता है आपको पेट्रोल लिखा हुआ। अच्छा भाई, बंदा यार फुल नींद में था, उसने यार ध्यान नहीं करा, उसने भी मतलब ज्यादा होना करके गाड़ी में पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया। भाई ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। उसकी भी कुछ गलती कह नहीं सकते। हाँ, रात में कभी कभी हो जाता। बट यार उस पापा भी अंदर ही थे और कोई पापा के साथ था नहीं जो ध्यान भी देता। पापा भी गाड़ी में अंदर थे, उसने जैसे पेट्रोल डाला वहां से बंद करके पापा गाड़ी लेके फिर सीधे चले गए। भाई गाड़ी जब 2-3 किलोमीटर आगे चली तो गाड़ी ने झटके से देने स्टार्ट कर दिए। अच्छा, 2-3 किलोमीटर नहीं, आवाज आने लग गई, मतलब 2-3 ही, 3-4 किलोमीटर कह सकते हो। तो पेट्रोल पहले कम था ना, तो भाई अच्छा, हाँ, हाँ। फिर जब पापा को यार ऑब्जर्व तो हुआ कि गाड़ी ऐसा क्यों कर दी है, तो उस वो जो बंदा था पेट्रोल पंप वाला उसका पापा के पास नंबर था क्योंकि पापा की पोस्टिंग वही है, तो वहाँ ऐसा आसपास में एरिया में नंबर, हाँ, तो उससे डलवाते रहते होंगे उसी फ्यूल पंप से नंबर होते हैं। तो भाई उस बंदे को जब फोन वोन करा तो उसने कहा कि हाँ सर मैंने तो गलती से डीजल डाल दिया। यार पापा का दिमाग एकदम कितना खराब हो गया उस टाइम पे कि गाड़ी अब मैं कैसे लेके जाऊँ। तो भाई वो, हाँ भाई वैसे भी रात का टाइम, हाँ उस टाइम अच्छी एक बात ये थी कि पास में एक थाना था, पापा ने कैसे जैसे करके वहाँ गाड़ी लगा दी। तो भाई मतलब आसपास वहाँ कोई हुंडई का सेंटर सर्विस सेंटर वगैरह कुछ नहीं था, कुछ नहीं, वहाँ करीबन 30 किलोमीटर की रेंज में आपको कोई सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा। अच्छा। 30 किलोमीटर के अंदर अंदर वहाँ कोई सर्विस सेंटर नहीं था। अच्छा भाई, फिर इतनी दिक्कत हुई। फिर भाई उस टाइम तो रात हो रही थी, पापा ने गाड़ी खरीदी कर दी और वो सो गए जाके। सुबह पापा को मेरे फोन आता है 6-6:30 बजे करीब की ऐसे ऐसे बात हो गई। अब भाई मैं उस टाइम मैं भी बहुत उसमें हो गया कि यार ये क्या हो गया, ये क्या सीन हो गया गाड़ी के साथ। हाँ भाई। मैंने फिर भाई वहाँ सर्च करा गूगल मैप ऐप पे, वहाँ देखा कि भाई वहाँ तो कहीं आसपास कहीं सर्विस सेंटर भी नहीं है हुंडई का। हाँ। तो भाई अब कुछ चांस तो बचा ही नहीं था। तो वहीं पे ही पापा का एक जानने वाला मैकेनिक था उस एरिया में, पापा ने उससे बात करी। हाँ, वरना फिर वहाँ तक टो करके लेके जानी पड़ती सर्विस सेंटर तक। उस बंदे ने कह दिया कि सर घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगा, मैं इसकी टंकी को डीजल इसका पूरा निकाल के पेट्रोल से साफ वाफ करके एकदम बढ़िया, मतलब उसने कुछ इंजन से छेड़खानी नहीं करी, कुछ नहीं करी भाई उस बंदे ने। मैं कह रहा हूँ बोनेट तक खोल के कुछ नहीं करा उसने, बस अपनी वो टंकी वंकी निकाली, डीजल निकाल दिया सारा। अच्छा। और पेट्रोल लेके आया था वो, तो मैं साफ वाफ करके उसको पेट्रोल डाल दिया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ भाई गाड़ी में कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब इंजन लाइट वगैरह कुछ नहीं आई थी। दो दिन तक तो बिल्कुल बढ़िया चली गाड़ी, ऐसी चली जैसे 4-5 दिन पहला केस है। अभी यार कल परसों में ही मैं गाड़ी लेकर बाहर को गया, मैंने देखा यार इसकी इंजन लाइट क्यों बंद नहीं हो रही, इंजन चेक लाइट, मैं चलाता रहा गाड़ी को चलाता रहा, फिर भाई बंद ही नहीं हुई। और अभी भी आप देख सकते हैं जैसा अभी आपने दिखाया, हाँ। अभी भी जली रही है इस टाइम। मैंने पापा से बात करी तो पापा ने भाई अब कोई सोल्यूशन तो बताया नहीं। अच्छा भाई उस टाइम भी नहीं जली थी जिस टाइम उसमें डीजल डाला था, कुछ भी नहीं भाई उस टाइम। मैंने पापा से कहा कि आप एक बार देखना इंजन लाइट जली है, भाई पापा ने मना कर दिया MID में कोई लाइट नहीं है, अभी ये एक दिन पहले ही जली है।
भाई अब इतनी दिक्कत हुई, अभी यार इसे सर्विस सेंटर पे लेके चलने हैं, और वहाँ पे एक बंदे से भी बात करी है तो वो कह रहे हैं कि आप गाड़ी ले आओ हम देख लेंगे। अब भाई तो भाई सर्विस सेंटर पे चलते हैं पहले, देखते हैं। और आपको एक सीन और बताते हैं इसकी फ्यूल लिड का भी। फ्यूल लिड उस साइड है भाई इसकी, भाई ये बंद नहीं हो रहा, ये ढीला हो गया। तो भाई इस पे पेट्रोल ये पी बाद में लगवाया होगा आपने। हाँ, अरे वो एक बंदा गाड़ी लेके, जो बंदा आया था ठीक करने, वो ही लिख के चला गया कि सर मैं लिख रहा हूँ, आगे दोबारा कभी केस ना हो ऐसा। तो भाई मुझे तो इसमें कुछ दिक्कत लग रही है, बंद ही नहीं हो रहा आपका, लॉक नहीं हो रहा है। चलो भाई वही दिखाएंगे, बताएंगे क्या दिक्कत है। तो चलो इसे भी देखते हैं, चलते हैं भाई अब सर्विस सेंटर हिंडई के। तो भाई ये हाईवे पे चढ़ चुके हैं हम, यहीं पे पास में सर्विस सेंटर है हुंडई का। एक बार आपको इंजन लाइट और दिखा देता हूँ, ये देखो भाई। तो भाई अब पहुंच चुके हैं हम सर्विस सेंटर, आप देख रहे हो ये हुंडई का सर्विस सेंटर। ये है भाई वासु अर्जुन हुंडई, जिस पे हम आते हैं ज्यादातर, ये हमारे घर के पास है। तो अब भाई जो यहाँ जो जिस बंदे से हमने बात करी थी हुंडई वाले से, वो भी आ रहे हैं, वो किसी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने गए हैं। फिर वो हमारी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेंगे और बताएंगे कि क्या दिक्कत है गाड़ी में, गाड़ी में क्या क्या चेंजेस होने हैं। भाई गाड़ी थोड़ा सा सेल्फ भी कुछ ऐसा लग रहा है, मैं लंबा सा ले रही है, तो सब इशू बताएंगे उन्हें। एक बार और दिखाता हूँ आपको, सेल्फ दिखाता हूँ, सेल्फ देखो आप। हाँ भाई थोड़ा सा लंबा ले रही है, मतलब एक आधी बार में। हाँ, कभी लंबा ले देखो, जैसे एकदम सही लिया, परफेक्ट लिया एकदम, लेकिन अभी जब मैंने अभी पीछे स्टार्ट करी थी तो वहाँ मुझे थोड़ा, भाई वीडियो में नहीं आता है, थोड़ा सा लंबा लिया जैसे। तो चलो अभी जो बंदा आ रहा है उससे बात कराते हैं आपकी। चल तो सही रही है, चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, इंजन लाइट जो आ रही है, इंजन लाइट का तो वो अलग ही उसको कार्बन चढ़ गया होगा ना, तो वो इसके अंदर सही कर दूंगा। तो भाई सर्विस सेंटर आ चुके हैं, जैसा आपने देखा अभी जो भैया थे वो अपने साथ, उन्होंने टेस्ट ड्राइव लिए गाड़ी की। तो गाड़ी में जो चेक लाइट आ रही है वो उसका रिजॉल्व कर देंगे, वो इशू ईसीयू में अपडेट कर देंगे। वैसे आप गाड़ी में कोई दिक्कत है नहीं, गाड़ी में जो पिकअप वगैरह वो भी सब सही चल रही है, और सेल वगैरह भी सही ले रही है। तो अभी आपको दिखाते हैं, हमने कुछ छेड़ा ना भाई, जो इसमें हाँ वो ये स्टॉक ये सब चीज, ये हाँ कुछ छेड़ा ना इसमें ना, ना फ्यूज बॉक्स तो खुला ही ना आज तक, ये इसमें वायर लगा ना, ये तो वो है जीपीएस है ना, जीपीएस लगा रखा, ये तो जीपीएस है। तार हटानी पड़ेगी, ये जब तार हटानी पड़ेगी, सिस्टम और कहीं से करंट दिलाओ, नहीं लगाया जीपीएस हटा दो, चलो इसे तो बाद में लग जाएगा ये, तो अब हटा दो आप। यहाँ पे छेड़खानी ज्यादा मत करा ना, एक अंदर जाओ तो हम ठीक है, ठीक है भैया। जिसने भी लगाया डायरेक्ट जुगाड़ कर दिया यहीं से ही, आसान तरीका ढूंढ लिया। ये देखो भाई कैसी क्रेटा है, मतलब पूरी टेल लाइट भी चेंज करा रखी है, टेल लाइट देखो आप। ये भाई अभी अपनी प्रोसेसिंग चल रही है,
भाई इंजन लाइट तो अब गाड़ी की जा चुकी है, एक काम और था ये और करवा लें, जो ये फ्यूल लीड है बंद नहीं हो रही है, आप देख रहे होगे ये लॉक करने पर ऑटो लॉक हो जाती है लेकिन भाई बंद नहीं हो रही है। तो अभी वो भाई टेक्नीशियन को बुलाने गए हैं, यहाँ इसमें कुछ फॉल्ट है तो अभी आपको दिखाते हैं। अब और दिखा रहे हैं फ्यूल लीड को, और भाई आप गाड़ी भी देख सकते हैं यार, गाड़ी भी बहुत गंदी हो रही है। अब इसको भी धुलवाते हैं बाहर ले जाके कहीं। मैंने यार यहाँ शोरूम पे पूछा तो वो कह रहे भैया कह रहे हैं कि टाइम लग जाएगा उसमें, तो भाई हमने सोचा कि बाहर ही धुलवा लेते हैं इसको। अभी ना पिछले 4-5 दिन से लगभग एक हफ्ते से ही गाड़ी की रनिंग बहुत है भाई, रोज़ ही कम से कम गाड़ी आपकी 70-80 किलोमीटर रोज़ चल रही है, रनिंग बहुत हुई गाड़ी की, तो इस वजह से देख सकते हैं आप गंदी भी बहुत हो रही है। अब बस यहाँ से फ्री होते ही इसको ले चलते हैं फिर धुलवाने। और भाई ये फाइनली अपना काम पूरा डन। युवराज भाई एक बार बिल दिखा दो, ये देखो बिल दिखाता हूँ आपको भाई, 0 रुपीज़ वो मैंने पे कर दिए। और अब मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉब्लम पूरी सॉल्व पकड़ना है कहीं। अभी जैसे गाड़ी लॉक अनलॉक करने पे खुल गया और अब बंद हो गया। तो चलो भाई बढ़िया एक्सपीरियंस रहा अपना हुंडई के साथ, अब गाड़ी निकालते हैं यहाँ से। और इंजन चेक लाइट वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, दिखाता हूँ आपको एक बार। अब भाई इसमें चल के यार पेट्रोल और डलवाते हैं, मैंने इधर से पेट्रोल भी नहीं डलवाया कि कहीं निकालना विकालना ना पड़ जाए। तो चलो अब चलते हैं भाई, काम हो गया अपना भाई, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगा अपनों को और हमारा काम हो गया भाई। तो भाई फाइनली अपनी दोनों प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं इंजन लाइट बिल्कुल जा चुकी है, और जो अपनी फ्यूल लिड वाली प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। अब वो एकदम बढ़िया हो गया अपना फ्यूल लिड, उसके ना अंदर का कोई एक पार्ट था वो टूट गया था तो वो कंपनी वालों ने चेंज करके दे दिया। और ये कुछ इसका बिल आया है, ये देख सकते हैं 0 रुपीज़ या रुपीज़ 0 ओनली। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा भाई आपको, अगर कभी आपकी गाड़ी में भी ऐसी कभी इंजन लाइट जल जाती है अचानक से तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो हमारी गाड़ी का ECU या ये सिस्टम जो होता है कभी कभी इसमें ही कुछ दिक्कत आ जाती है जिससे जो इंजन लाइट है वो जल जाती है। क्योंकि जब अभी मैं जो सर्विस एडवाइज़र थे उन्होंने जब गाड़ी चला के देखी उन्होंने कहा कि गाड़ी भाग भी बढ़िया रही है, एकदम पिकअप भी बढ़िया दिखा रही है, इसके इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका ये जो MID है इसमें ही कुछ दिक्कत हुई है जिसकी वजह से इंजन लाइट जल गई है। वो भी भाई फिर जो उनका टेक्नीशियन था उसने OBD में चिप लगाई, फ़ोन से जब गाड़ी पूरी MID कनेक्ट हो गई उसने 10 मिनट के अंदर इंजन लाइट भगा दी, और उसने बताया था कि कुछ ECU में उसने अपडेट कराया जिससे इंजन लाइट चली गई। तो भाई वही पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप गाड़ी को चलाओ और देखो कि गाड़ी में कुछ दिक्कत तो नहीं है, अगर कुछ दिक्कत महसूस होती है तो आप उनको बता दो, वरना वो खुद चला के देख ही लेते हैं। एक बार मैं आपको फ्यूल लीड और दिखा देता हूँ, देखिए भाई अब बिल्कुल बढ़िया हो गया है एकदम। तो भाई यही था कुछ अपना एक्सपीरियंस हुंडई के साथ, बिल्कुल बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है एकदम, बढ़िया हो गई गाड़ी। तो चलो भाई यही था आज की वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए।